कि ये बात गलत है कि ये तलवार से फैला, ये बात गलत है कि ये तलवार से फैला, इस्लाम शहे बथा के किरदार से फैला। ये बात गलत है कि ये तलवार से फैला, इस्लाम शहे बथा के किरदार से फैला। है कौन जो दुश्मन को गले अपने लगाए, दुनिया में चलन ये मेरे सरकार से फैला। है कौन जो दुश्मन को गले अपने लगाए, दुनिया में चलन ये मेरे सरकार से फैला। तो आइए नाज शरीफ से आगाज करते हैं। बाराबंकी से तशरीफ लाए उस खुशफिक्र और खुशगुलू लहजे के शायर का इस्तकबाल करते हैं, जो पूरे हिंदुस्तान की मुशायरों की कामयाबी की जमानत और इस वक्त जरूरत बन चुका है। अपने मकाम पर वो अपनी गजलों से भी नवाजेंगे। इस वक्त उनके खूबसूरत तरन्नुम और लहजे से मैं चाहता ये हूँ कि इस मुशायरे का आगाज हो। अंजुम की जो न शमसो कमर का जहूर था, अंजुम की जो न शमसो कमर का जहूर था, अरे आंखें भी जब न थी तो मोहम्मद का नूर था, आंखें भी जब न थी तो मोहम्मद का नूर था। जोरदार तालियों से अपने मेहमान शायर का इस्तकबाल कीजिए। पूरा मजमा एक बार मुझे इजाजत दे दे कि यहां से जनाब अली बाराबंकी साहब से मैं इस मुशायरे का आगाज करवा सकूं। रोशनी का मैं है वह है, आमिना तेरे रोशनी का मैं है वह है, आमिना तेरे घर। मैं बोले भैया आवाज बढ़ा दो थोड़ी सी और। रोशनी का मैं है वह है, रोशनी का मैं है वर है, समंदर है आमिना तेरे गए में, नूर का समंदर है, नूर का समंदर है आमिना तेरे घर में। खुशबू जिसकी महकेगी एक दिन दो आलम में, खुशबू जिसकी महकेगी, खुशबू जिसकी महकेगी, खुशबू जिसकी महकेगी एक दिन दो आलम में, ऐसा एक गुले गुले तर है आमिना तेरे घर में, ऐसा एक गुले तर है आमिना तेरे घर में। और आखिरी शेर मोहब्बतों के साथ समाप्त फरमाए, इशारे सारे अंबिया जिसकी इत्तिबा में आएंगे, सारे अंबिया जिसे कि सारे अंबिया जिसके आमना तेरे घर में, क्या कहने। दुनिया
दुनिया में फिर वही मुझे पहचान दे खुदा, यहां से मुशारे को मुशारा बना दे, पढ़ता हूं समाज फरमाए। दुनिया में फिर वही मुझे पहचान दे खुदा, यानी यानी साहबा जैसा फिर ईमान दे खुदा, यानी साहबा जैसा फिर ईमान दे खुदा, यानी साहबा जैसा फिर ईमान दे खुदा। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, क्या क्या बातें से उठाया है उम्मत को आज भी, बातें से उठाया है उम्मत को आज भी, उम्मत को आज भी, उम्मत को आज भी, तलहा जुबेर बुजर सलमान दे खुदा, तलहा जुबेर बुजर सलमान दे खुदा। और मेरे बड़े अच्छे दोस्त आफाक भाई तशरीफ रखते हैं, मुशायरा कर मेरे साथ तशरीफ रखते हैं, चार मिसरे और हाजिर करता हूँ। शरीयत का मामला हम लोग के नजरों के सामने है, चार मिसरे पढ़ता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि हर शख्स की मुझे दुआएं मिलेंगी। समाज फरमाए, शरीयत की हदें मेरे नबी ने, वाह 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 वाह, हाजिर करता हूं जिंदाबाद, क्या क्या शरीयत की हदें मेरे नबी ने जो बताई है, तैयार हो जाए चार मिसरे सुनने के लिए। समाज फरमाए, शरीयत की हदें मेरे नबी ने जो बताई है, कोई कोई तरमीम इनमें हुक्मरा करवा नहीं सकते, कोई तरमीम इनमें हुक्मरा करवा नहीं सकते। आखिरी के दो मिसरे अगर सच्चे लगे तो मेरी आवाज से आवाज मिला दीजिएगा। समाज फरमाए, कोई तरमीम इनमें हुक्मरा करवा नहीं सकते, कोई तरमीम इनमें हुक्मरा करवा नहीं सकते, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कह रहे हैं, वाह 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 वाह, अच्छा है जनाब अली साहब, वाह 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 वाह। दोबारा पढ़ दूं तो पूरा पिंडाल हाथ उठा के इजाजत दे मुझे, शुक्रिया। अकालियों का मजमा खड़ा करिए दोस्तों, मेरे मित्रों कदमा के दोस्तों, और अगर दिल पे सदमा न लगे इसलिए आप पर मुकदमा न हो जाए इसलिए आप लोगों के हवाले कर रहा हूँ आपके अली को, इसलिए जोरदार तालियां बजा दीजिए, शुक्रिया।
अब्दुल वहाब साहब का मैं बेहद शुक्रगुजार हूं कि इतने अच्छे सामायन के बीच में मुझे पढ़ने का मौका दिया। मैं चार मिसरे हाजिर करता हूं। समाप्त फरमाए। शरीयत की हदें मेरे नबी ने जो बताई हैं, कोई तरमीम इनमें हुक्मरा करवा नहीं सकते, कोई तरमीम इनमें हुक्मरा करवा नहीं सकते। अब्दुल वहाब साहब तशरीफ रखते हैं, इमरान भाई तशरीफ रखते हैं। चार मिसरे हाजिर करता हूं बड़ी उम्मीद के साथ। जो इधर वाले भाई बैठे हुए बहुत अच्छा सुन रहे हैं। चार मिसरे पढ़ता हूं, समाप्त फरमाएं। आप लोग भी बहुत अच्छा सुन रहे हैं। बड़े यकीन के साथ चार मिसरे पढ़ता हूं। जिन्होंने अब तक की मुझे दाद नहीं दी है, इंशाल्लाह वो इन चार मिसरों पे बोलेंगे। पढ़ता हूं, समाप्त फरमाएं। तारीख की रोशनी में चार मिसरे समाप्त फरमाएं। जहां पर अब्दुल वहाब साहब पढ़ता हूं, जहां पर शेर बकरी एक दल पर पानी पीते हो, जहां पर शेर बकरी एक दल पर पानी पीते हो, तमाम उलमा इकराम की दुआएं चाहता हूं। जहां पर शेर बकरी एक दल पर पानी पीते हो, जमाने जमाने वालों तुम ऐसी हुकूमत लाओ तो जाने। वाह वाह वाह, तुम ऐसी हुकूमत लाओ तो जाने, क्या कहने। वाह वाह वाह, जमाने वालों तुम ऐसी हुकूमत लाओ तो जाने। तैयार हो जाए तो मिसरे सुनने के लिए आखिरी के, समाज फरमाए। जमाने वालों तुम ऐसी हुकूमत लाओ तो जाने, जहां पर शेर बकरी एक दल पर पानी पीते हो, जमाने वालों तुम ऐसी हुकूमत लाओ तो जाने। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आइए जनाबे अली साहब, आ जाइए आइए, वो तशरीफ ला रहे हैं दोस्तों। मगर जिस तरह आपने मुशायरे को मुशायरा बनाया है, दोबारा जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल करके बता दीजिए कि आप अभी उन्हें थोड़ा सा और सुनना चाहते हैं। जनाबे अली बारव की माइक पर। बिल्कुल दोस्तों, इसी तरह का खूबसूरत माहौल आज आपको इस मुशायरे में मिलेगा। जब तक आप जनाब इमरान तक पहुंचेंगे, इस तरह का माहौल हम तैयार कर चुके होंगे कि बेहद खूबसूरत गुलदस्ता उनके मकाम पर हम पेश कर सके। जनाब अली बारावक, शुक्रिया, बहुत अच्छा आपने सुना। ये चार मिसरे दोबारा सुनना चाहते हैं तो हाथ उठा के इजाजत दे, पूरा पिंडाल हाथ उठा, इजाजत दे मुझे कि यहाँ सुनना चाहते हैं। माशाल्लाह, मैं चार मिसरे पढ़ता हूँ, जहां पर शेर बकरी एक दल पर पानी पीते हो, जमाने वालों तुम ऐसी हुकूमत लाओ तो जाने।
अदालत लावो तो जाने। और चलते चलते चार दूसरे और हाजिर करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हजरात शिरकत करेंगे। समाप्त फरमाएं, चार दूसरे और समाज फरमाए। हिंदुस्तान का मुसलमान हो या कहीं का भी मुसलमान हो, वो अपने ऊपर तो हर चीज बर्दाश्त कर सकता है, मगर सरकारे दो आलम पे कोई उंगली उठाए ये मुसलमान को कतई बर्दाश्त नहीं। मैं चार मिसरे और पढ़ता हूँ बड़े यकीन के साथ। अगर सीने में दिल है और दिल में धड़कन है तो इंशाल्लाह जरूर बोलेंगे। पढ़ता हूँ, समाज फरमाए। वो हो कमलेश या तसली मनसरी हो कि रुशदी हो, अगर सच्चे मिसरे लगे तो दुआएं चाहता हूं आप सब। समाज फरमाए। वो कमलेश या तसली मनसरीन हो कि रुशदी हो, ये है मजहब के दुश्मन इनको दुनिया से मिटा देंगे। ये है मजहब के दुश्मन इनको दुनिया से मिटा देंगे। अदालत लावो तो जाने। वो कमलेश या तसली मनसरीन हो कि रुशदी हो, ये है मजहब के दुश्मन इनको दुनिया से मिटा देंगे। अपना कटा देंगे। बहुत कुछ हो चुका है अब करेंगे सब्र हम कब तक। क्या अच्छा मिश्रा है, वाह वाह वाह, अच्छा मिश्रा अली साहब, वाह। हो चुका है अब करेंगे सब्र हम कब तक। आखिरी मिसरे पे भरपूर मुझे दुआएं मिलनी चाहिए। पढ़ता हूँ, समाज फरमाए। बहुत कुछ हो चुका है अब करेंगे सब्र हम कब तक। क्या कहने हैं, वाह वाह। शरीयत में जो कुछ बोले हमारी तो बुरा होगा। शरीयत में जो कुछ बोले हमारी तो बुरा होगा। अभी तक हम तो पैदा जलजला होगा। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। थे अगर तुमसे तो पैदा जलजला होगा। बहुत अच्छा आपने सुना। मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा इमरान भाई को वक्त दिया जाए। जाते जाते चार दूसरे और पढ़ता हूँ, समाप्त फरमाए। अच्छा
अच्छा माशाल्लाह इमरान भाई का हुक्म है, गजल का मैं गजल भी पढ़ूंगा, चार मिसरे और पढ़ता हूँ मैं। उम्मीद करता हूँ कि शिरकत करेंगे आप लोग। खास समाज फरमाए दूसरे मिसरे पे इंशाल्लाह आप सबकी दुआएं मुझे मिलेंगी। समाज फरमाए इमरान भाई देखेगा। वतन में हमको जीना है, वतन में तुमको जीना है, वतन में हमको जीना है, वतन में हमको वतन में हमको जीना है, वतन में हमको मरना है, यहीं पा मर के सीधे अपने कब्रिस्तान जाएंगे, यहीं पा मर के सीधे अपने कब्रिस्तान जाएंगे। वतन में हमको जीना है, वतन में हमको मरना है, यहीं पा मर के सीधे अपने कब्रिस्तान जाएंगे, जहां जाना पाकिस्तान जाएंगे हम। क्या कहने, वाह वाह वाह, क्या कहने, वाह वाह वाह, वाह वाह वाह। मैं पढ़ता हूँ आपकी बेहद मुझे मोहब्बत है, जिला परिषद साहब ने भी अपनी दुआओं से नवाजा। मैं चार मिसरे हाजिर करता हूँ समाज करना। जी अता। अच्छा शुक्रिया। वतन में हमको जीना है, वतन में हमको मरना है, वतन में हमको जीना है, वतन में हमको मरना है, यहीं पा मर के सीधे अपने कब्रिस्तान जाएंगे, यहीं पा मर के सीधे अपने कब्रिस्तान जाएंगे, जहां जाना जहां जाना है तुम जाओ, ये हिंदुस्तान हमारा है, जहां जाना है तुम जाओ, ये हिंदुस्तान हमारा है, हम अपनी छोड़ के धरती न पाकिस्तान जाएंगे, हम अपनी छोड़ के धरती न पाकिस्तान जाएंगे। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद।